नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज आपको एक ऐसी जड़ी बूटी की जानकारी देने वाले हैं जो आयुर्वेद की एक दिव्य वनस्पति है और ये वनस्पति हर जगह आपको बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। इसको आपने देखा भी होगा, इसका नाम है अपमार्ग। इसको कुछ लोग चिटचिटा भी बोलते हैं। यह वनस्पति अनगिनत रोगों में प्रयोग की जाती है। आज आपको इसकी संपूर्ण जानकारी के साथ बहुत ही खास और गुप्त प्रयोग भी बताने वाले हैं। अनेक रोग नाशक प्रयोग जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले हम आपको इस वनस्पति की पहचान करा देते हैं ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। यह वनस्पति दो प्रकार की देखी जाती है, एक लाल और एक सफेद, और यह पौधा 2 से 3 फीट तक ऊँचा हो जाता है। इस पौधे पर इस तरह के फल फूल लगते हैं जो उल्टे होते हैं, इसलिए इसका एक नाम उल्टा कांटा भी है। इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि इसके पास से गुजरने पर यह कांटे कपड़ों पर चिपक जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से इसको जाना पहचाना जाता है और सभी लोग इसको पहचानते हैं। इसका अंग्रेजी नाम द प्रिकली चाफ फ्लावर है तथा इसका वनस्पतिक नाम अकायरेंथिस एक्सपेरा। हो सकता है आप इसे किसी और नाम से जानते हो, तो कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं कि आप किस क्षेत्र में रहते हैं और इसको क्या नाम से जानते हैं। आयुर्वेदिक मत अनुसार चिटचिटा, रेचक, दीपन, पाचन, पित्त सारक, कृमिघन, रक्त शोधक, रक्तवर्धक, शोधन, मूत्रल, स्वेद जनन, पुष्ट घन और कांडू घन होता है। आइए अब जानते हैं इसके कुछ औषधीय प्रयोग जो अत्यंत ही लाभकारी हैं, और वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो पहला प्रयोग है बुखार आदि दूर करने के लिए। अपमार्ग के पत्ते, काली मिर्च और लहसुन, इन तीनों को बराबर मात्रा में लेकर पीस कर चने के बराबर गोलियां बना लें और उनको छाया में सुखा कर रख लें। फिर 1 से 2 गोली सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ लेने से सभी प्रकार के बुखार और विषम ज्वार ठीक हो जाता है। बुखार दूर करने के लिए दूसरा प्रयोग है चिटचिटे की जड़ को सुखा कर बारीक चूर्ण बनाकर रख लें और उसमें बराबर मात्रा में काली मिर्च मिलाकर 0.5 से 1 ग्राम मात्रा में सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ लेने से सभी प्रकार के बुखार ठीक होते हैं। इसके अन्य प्रयोगों में जिन लोगों को 0.5 cc की प्रॉब्लम है, यानी कि एक तरफ का सिर दर्द करता है, तो इसके बीजों को चूर्ण बना लेना चाहिए। यह पौधा वर्षा काल में उत्पन्न होता है और जनवरी के लगभग सूखने लगता है, तो इसके बीजों को एकत्रित करके रख लेना चाहिए। इस प्रकार के इसके बीज होते हैं और यदि इस बीजों को पीसा जाए तो चूर्ण बन जाता है। इसके बीजों के चूर्ण को सूंघने से मस्तिष्क के अंदर जमा हुआ कफ निकल जाता है और 0.5 cc का दर्द ठीक होने लगता है। और बहुत ही आसान प्रयोग है, कोई भी कर सकता है और किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता। मस्तिष्क में जमा हुआ कफ इस प्रयोग से पिघलकर बाहर निकल जाता है। यह कान रोगों में भी बहुत ही अच्छा कार्य करता है और सभी प्रकार के कान के रोग, बहरापन आदि को दूर करता है। इसका प्रयोग करने के लिए आप इसका तेल बनाकर रखें। अपमार्ग की जड़ को खूब बारीक पीस कर तिल्ली के तेल में पकाएं और जब तेल शेष रह जाए तो उस तेल को छान कर रख लें। इस तेल को 1-1-2-2 बूंद कान में नित्य डालने से कान के रोग ठीक होने लगते हैं तथा कान का बहरापन भी दूर होता है। दांतों के रोगों को दूर करने के लिए चिटचिटा का प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है। यह सभी प्रकार के दांतों के रोग ठीक करता है, जैसे कि मसूड़ों से खून आना, पायरिया रोग, हिलते हुए दांत, दांतों में कीड़ा लगा होना और पीले दांत। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए इसको अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। इसके पत्तों को पीसकर मंजन की तरह करने से दांत के रोग ठीक होते हैं। और इसका दूसरा तरीका यह है कि आप इसकी जड़ को दांतुन की तरह इस्तेमाल करें तो ये दांतों के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है और दांतों में लगा कीड़ा तथा दांतों के दर्द में बहुत लाभकारी है। इसके तने की दांतुन भी की जाती है जो एक उत्तम दांतुन है। इसके तने की दातुन काट कर छाया में सुखा कर रख ली जाए तो वह आप साल भर तक प्रयोग कर सकते हैं। रात को दातुन को पानी में डालें, सुबह तक वह नरम हो जाएगी, फिर आप उससे दातुन कर सकते हैं। अपमार्ग के पत्तों को उबाल कर गरारा करने से मुंह के छाले और मसूड़ों की सूजन दूर होती है। जिन लोगों को मूत्राशय की पथरी है, वह अपमार्ग की जड़ को कच्चे दूध के साथ पीस कर सुबह खाली पेट सेवन करते हैं तो मूत्राशय की पथरी मूत्र मार्ग से धीरे धीरे बाहर निकल जाती है। और जो लोग बवासीर से परेशान हैं, वह यह प्रयोग करें। अपमार्ग का चूर्ण 5 ग्राम, कमल की केसर 1 ग्राम, सतावरी 2 ग्राम और बासा के पत्ते 2 ग्राम, इन सभी को 1 गिलास पानी में उबालकर ठंडा करके पीने से खूनी बवासीर ठीक हो जाता है।
बवासीर रोग दूर करने के लिए एक प्रयोग और है। 50 ग्राम दही में 10 ग्राम चिटचिटे का पंचांग मिलाकर सेवन करने से भी बवासीर रोग ठीक होता है। एक रोग होता है जिसे भस्मक रोग कहते हैं। उस रोग में पाचन शक्ति बहुत बढ़ जाती है और व्यक्ति को बहुत भूख लगती है। बार बार खाना खाने के बाद भी व्यक्ति की भूख खत्म नहीं होती, इसलिए इसको भस्मक रोग कहते हैं। तो ऐसे में भूख को नियंत्रण करने के लिए चिटचिटे का प्रयोग किया जा सकता है। पुराने समय में साधु संत जब समाधि आदि किया करते थे तो वह इस चिटचिटे की खीर बनाकर प्रयोग किया करते थे, ताकि लंबे समय तक उनको भूख न सताए और वे समाधि में निरंतर बने रहें। इसके बीजों को पीसकर 5 से 10 ग्राम की मात्रा में दूध में पकाकर खाने से भस्मक रोग ठीक होता है। इसकी खीर को हफ्ते में 1 या 2 बार खाना चाहिए, और जो लोग मोटापे से परेशान हैं, ज्यादा वजन बढ़ गया है, वह भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। 5 से 10 ग्राम चूर्ण को दूध में पकाकर खीर बनाकर खाना चाहिए। हफ्ते में 1 बार प्रयोग करें या फिर अपने वैद्य की सलाह अनुसार अधिक बार भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपकी भूख नियंत्रित रहती है और वजन कम होने लगता है। इसके बीजों को पीसकर बारीक चूर्ण बना लें और बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर 1-1 चम्मच सुबह शाम खाने से भी भस्मक रोग ठीक हो जाता है, लेकिन यह प्रयोग ज्यादा समय तक नहीं करना चाहिए। पेट में कीड़े होने पर इसके पत्तों के रस में शहद मिलाकर देने से पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। यदि सांप आदि काट लेता है तो इस चिटचिटे का प्रयोग किया जाता है। इसके संपूर्ण पौधे को जड़ के साथ उखाड़ लें और पीस कर रस निकाल लें, और इस रस को बार बार रोगी को पिलाते रहें जब तक वह होश में ना आ जाए। सांप काटे का एक और प्रयोग है, चिटचिटे का पंचांग 12 ग्राम 3 ग्राम काली मिर्च दोनों को पीस कर पिला दें, और 4-4 गोली संजीवनी बटी हर 4-4 घंटे में देते रहें, तो इससे भी लाभ होता है। यह प्रयोग आप प्राथमिक रूप से करें, इसके बाद डॉक्टर को जरूर दिखाएं। जो लोग स्वप्न दोष की समस्या से परेशान है, वह चिटचिटे की जड़ को पीस कर बारीक चूर्ण बना लें और बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर 2-3 ग्राम रोज सुबह शाम सेवन करते हैं, तो कुछ ही दिनों में उनके स्वप्न दोष की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। घेंगा रोग दूर करने के लिए अपमार की राख शहद मिलाकर सेवन करने से और अपमार की राख को गले पर लगाने से घेंगा रोग ठीक हो जाता है। नए और पुराने घावों को जल्दी भरने के लिए चिटचिटे का एक प्रयोग है जो बहुत ही अच्छे लाभ देता है। इसके लिए विधारा, अपमार्ग, हल्दी, दारू हल्दी, बानर पूंछ सभी को लेकर तिल्ली के तेल में पकाएं। तिल्ली का तेल नहीं मिलता है तो सरसों का तेल में पका सकते हैं। फिर इस तेल को छान कर रख लें, और इस तेल को लगाने से सभी प्रकार के घाव बहुत ही जल्दी भरने लगते हैं। बिच्छू के काट लेने पर इसके पत्तों को पीस कर लगाना चाहिए, तथा पत्तों का रस 1-1 चम्मच पिलाने से बिच्छू का जहर खत्म हो जाता है। सभी प्रकार की सूजन दूर करने के लिए अपमार का प्रयोग बहुत ही अच्छा लाभ करता है। यदि लीवर में सूजन है तो इसको कोटेज मिलाकर सेवन करें, बहुत ही जल्दी लाभ होता है। यदि किडनी में सूजन है तो अपमार्ग और पुनर्वरा को बराबर मात्रा में मिलाकर सेवन करें, तो किडनी की सूजन दूर हो जाती है। यदि हृदय में सूजन है तो आप मकोय और अपमार्ग को बराबर मात्रा में मिलाकर सेवन करें, तो हृदय की सूजन दूर हो जाती है। सभी प्रकार की खांसी और दमा रोग दूर करने के लिए चिटचिटा बहुत ही उत्तम औषधि है, और ये बहुत ही चमत्कारिक लाभ करता है। इसके कुछ प्रयोग हैं। अपमार्ग के 125 मिलीग्राम क्षार को शहद के साथ सेवन करने से सभी प्रकार के खांसी और श्वास के रोग ठीक होते हैं, यह बच्चे भी प्रयोग कर सकते हैं। दमा रोग दूर करने के लिए अपमार्ग के पत्तों को सुखाकर धूम्रपान करने से दमा रोग ठीक होता है। चिटचिटा की जड़ को काली मिर्च के साथ पीसकर शहद के साथ चाटने से सभी प्रकार की खांसी ठीक होती है। वैसे तो इस अपमार्ग के और भी काफी सारे अनगिनत औषधीय लाभ हैं, जिनको हम आपको समय समय पर अवगत कराते रहेंगे। यदि आप इस वनस्पति का कोई औषधीय प्रयोग जानते हैं तो कमेंट करके आप लोगों को बता सकते हैं। आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभकारी रही होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि मन में किसी प्रकार का सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछें। मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।